हत्या की वारदातें जो हैं वो थमने का नहीं नाम ले रही है। अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। लखनऊ में एक बुजुर्ग की ईंट से पूछकर हत्या कर दी गई है। शराब के नशे में बुजुर्ग की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। हत्या करने के बाद से आरोपी जो फरार था, पुलिस ने एक आरोपी को फिलहाल हिरासत में लिया है। सैदपुर गांव के हत्याकांड से फैली यह सनसनी, हालांकि कुछ देर के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार जरूर कर लिया है। उसे पूछताछ की जा रही है। मड़ियाव क्षेत्र के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बुजुर्ग की ईंट से कूचकर हत्या। कफील हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कफील, यहां पर आए दिन देखिए ऐसी वारदातें हो रही हैं जहां पर लोगों की जान जा रही है, हत्याएं हो रही हैं। एक और मामला ऐसा ही सामने आता हुआ, क्या कुछ अपडेट इस पर? बिल्कुल, देखिए शिवांगी, लगातार लखनऊ में हत्याओं का सिलसिला जारी है। जिस तरह से मड़ियाओं में कल बुजुर्ग की निर्मम हत्या की गई है ईंट से कूच के, कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि जो अपराधी हैं उनके हौसले लगातार बुलंद है। ये नशे में धुत युवक था, इसने नशे के दौरान जो बुजुर्ग थे उनकी ईंट से कूच कर निर्मम हत्या कर दी थी। अब पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्यारोपी कौन है, लेकिन पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है। सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात ये है कि जो उस एरिए के सर्किल ऑफिसर है वो घटना स्थल पे नहीं पहुंचे थे, उनसे जो सीनियर ऑफिसर है वो पहुंच गए, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से पुलिसिंग हो रही है। क्योंकि जो थाना अध्यक्ष है और एसीपी हो, उनको तो काफी देर तक घटना स्थल नहीं मिला। इसके अलावा जानकारी नहीं थी कहां पर हत्या हुई है, लोग ढूंढ रहे थे घटना स्थल। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है, और जो अपराधी है उनके हौसले लगातार बुलंद है और ये लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस पूरी तरीके से मस्त है, अपराधी मस्त है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कफील, इन तमाम जानकारियों के लिए फिलहाल आपका। गोंडा की खबर, जहां